रेकी, हीलिंग, मेडिटेशन, एंजल थेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, थर्ड आई और कुंडलिनी रेकी जैसी 65 से भी ज़्यादा ऑल्टरनेटिव थेरेपी सीखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और साथ में लगे बेल आइकन पे ऑल प्रेस करें ताकि लगातार हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं रेकी काम कैसे करती है। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा रेकी शक्ति, रेकी एनर्जी, रेकी पावर कैसे कार्य करती है आपके लिए, कैसे आपको स्वस्थ करती है। दोस्तों, रेकी कार्य करती है ऑरा, बॉडी एंड चक्रास के माध्यम से। दोस्तों, वैसे तो ऑरा, बॉडी एंड चक्रास अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, मगर फिर भी हम शॉर्ट में इसको समझते हैं। दोस्तों, बॉडी के बारे में हमने पहले भी बात की। बॉडी एनर्जी से बनी होती है, जैसे 5 तत्वों से संसार बना है ऐसे ही। इसी प्रकार हमारी बॉडी के बाहर भी एक सुरक्षा कवच होता है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जब कोई बीमारी या परेशानी हमारी तरफ आती है तो ये ऑरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये इनबैलेंस होना शुरू हो जाता है, ये श्रिंक होना शुरू हो जाता है। इसमें कुछ प्रॉब्लम, रुकावट, ब्लॉकेज, नेगेटिव एनर्जीज आनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब आपकी लाइफ में कुछ समस्याएं आ रही है। इसी प्रकार दोस्तों, हमारे 7 चक्रास होते हैं, जो बहुत बार हमने योगा, मेडिटेशन, ध्यान साधना में सीखा होगा कि अलग अलग जगह पे अलग अलग चक्रास होते हैं। दोस्तों, रेकी कार्य करती है ऑरा, बॉडी, चक्रा के माध्यम से। जब भी आपकी लाइफ में कोई समस्या आती है तो आपका ऑरा इंबैलेंस हो जाता है, आपके चक्रास इंबैलेंस हो जाते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं, वो कार्य नहीं करते, वो एनर्जीज का आदान प्रदान नहीं करते। और इस साइंस को हजारों सालों से हमारे लगभग सभी संत महात्मा, ऋषि मुनि जानते हैं। रेकी भी इसी साइंस के साथ कार्य करती है कि जब आप रेकी सीखते हैं या आप किसी से एनर्जी लेते हैं तो ये एनर्जी उस ऑरा में आई हुई हैवीनेस को निकालना शुरू कर देती है, चक्रास को क्लीन करना शुरू करती है। रेकी के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोसेस सिखाए जाते हैं जिस प्रोसेस के माध्यम से आप अपने ऑरा को शुद्ध कर सकते हो, ऑरा को क्लीन चार्ज प्रोग्राम कर सकते हो, अपने चक्रास को क्लीन चार्ज कर सकते हो, या वो कौन कौन से तरीके हैं जहाँ जिन तरीकों से आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हो। रेकी में बहुत तरह से हीलिंग्स होती है, ऑरा की हीलिंग होती है, चक्रास की हीलिंग होती है, क्लीनिंग होती है, और इन क्लीनिंग और चार्जिंग के माध्यम से आप हेल्दी होना शुरू हो जाते हो। अगर मान लो छोटी मोटी समस्या है, मान लो खांसी, जुकाम, बुखार या पेट खराब या कोई छोटी मोटी समस्या है, तो कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्तों के अंदर अंदर आपको आराम मिलता है, आपका ऑरा हेल्दी हो जाता है, चक्रास पॉजिटिव हो जाते हैं, आप स्वस्थ हो जाते हो। मान लो कोई बड़ी समस्या है या बहुत बड़ी समस्या है, मान लो कैंसर है या टीबी है या कोई भी बड़ी समस्या या कोई ऐसी समस्या जो ठीक नहीं हो रही, ऐसे में उस इंसान को कई हफ्तों से लेकर कई महीनों तक रेकी देने की ज़रूरत पड़ सकती है। मगर लगातार रेकी देने से उस इंसान के भी ऑरा के अंदर चेंजेस आते हैं, चक्रास इम्प्रूव होते हैं, ऑरा बढ़ जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। दोस्तों, एक सिंपल तरीके से आपको बताना चाहूँगा ऑरा क्या होता है। हमने बहुत बार बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स देखी होंगी, पुराने ज़माने में तो बहुत होती थी कि कोई संत महात्मा बैठे हैं या खड़े हैं, उनके पीछे एक रोशनी दिखाई जाती थी, एक येलो या वाइट रोशनी, एक आभा मंडल, ऑरा, एक शक्ति, इसी को ऑरा कहते हैं। ये हर किसी चीज़ का होता है। अगर आप ऑरा, बॉडी, चक्रास के बारे में और जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कैसे इसको क्लीन किया जाता है, कैसे चार्ज किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है, कैसे रेकी के माध्यम से हम स्वस्थ हो सकते हैं, हेल्दी हो सकते हैं, कैसे हम अपनी सारी समस्याओं को भगा सकते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर्स पर अभी कॉल करें, पूछें रेकी कोर्स कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन घर बैठे रेकी कोर्स कैसे कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने नियर एंड डियर्स के साथ, जो लोग रेकी का बारे में जानते नहीं हैं मगर उनको रेकी की ज़रूरत है, क्योंकि रेकी हर समस्या में काम आ सकती है, हर समस्या को ठीक कर सकती है, चाहे वो फिज़िकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, स्पिरिचुअल हो या फाइनेंशियल दिक्कत हो, उसमें भी रेकी काम आ सकती है। दोस्तों,
आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हो। इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के बटन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, साथ में लगे बेल आइकन पे ऑल दबाएं ताकि लगातार इस तरह की नॉलेज ज्ञान वाली वीडियो आपको मिलती रहे और आपका हो आध्यात्मिक विकास। धन्यवाद।